मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। सिंधिया राज्य के विभिन्न इलाकों का दौरा करने में जुट गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ जब सिंधिया आगरमालवा पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस को खूब कोसा। राजस्थान में सचिन पायलट के बागी तेवर पर बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में काबिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं, यह हर राज्य में देखने को मिल रहा है। देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है, आज भी कहा हूँ, कांग्रेस में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, काबिलियत लोगों के लिए कोई जगह नहीं, और यही एक एक राज्य में देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट साहब की मुलाकात हुई थी सर, क्या बात है? मैंने जो कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया और आपको कह दिया। दरअसल सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया आगरमालवा में किल कोरोना के समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि राज्य में जल्द ही विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव के परिणाम ही तय करेंगे कि राज्य में शिवराज की सत्ता रहेगी या जाएगी। आगरमालवा से प्रमोद कॉर्पोरेटर की रिपोर्ट, एमपी तक।